दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल RNS Education News में। दोस्तों इस वीडियो में हाजिर हूँ बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ। दोस्तों दिल्ली पुलिस भर्ती 2019 दोस्तों आ चुकी है। संपूर्ण जानकारी के लिए बने रहें वीडियो में मेरे साथ, बहुत बड़ी खुशखबरी। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस में मेल और फीमेल जो कॉन्स्टेबल भर्ती है उसका यहाँ पर पूरा का रिक्रूटमेंट प्रोसीजर दिल्ली पुलिस ने जारी कर दिया है। सबसे पहले आप यहां पर डेट देख सकते हैं, ये ऑफिशियल लेटर है दिल्ली पुलिस का और इसमें 7/6/2019 यानी आज ही की डेट में ये यहां पर दिल्ली पुलिस ने पब्लिश किया है। और दोस्तों रिक्रूटमेंट आ चुका है, अपनी तैयारी करते रहें। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो रिक्रूटमेंट के नए रूल्स बनाए गए हैं, एज में जो छूट दी गई है, इसके अलावा कौन कौन से नए रूल्स जो अमेंडमेंट किए गए हैं, सुधार किया गया है, तो उनकी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी, बिग ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ा अपडेट। तो दोस्तों यहाँ पर संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दिल्ली पुलिस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों इसमें जो जानकारियां दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग यहां पर जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट पूरा का पूरा प्रोसीजर बताया गया है। तो जो आपका मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दूसरा आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, ठीक है, जैसा कि पहले होता आया है। तीसरी यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 15% SC के, 7.5% ST के पद होंगे, 27% OBC के। और दोस्तों सबसे बड़ा अपडेट 10% गरीब स्वर्णों को जो आरक्षण मिला है EWS, यहाँ देख सकते हैं 10% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन CWS की वैकेंसी भी इसमें आने वाली है। एक्स सर्विसमैन का भी कोटा दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपकी जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 10+2 यानी 12वीं पास अगर आप हैं तो इसमें आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर दोस्तों जो रिलैक्सेबल दिया गया है यानी कि जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनके बच्चे हैं, वो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं या मल्टीटास्किंग स्टाफ है दिल्ली पुलिस के, या फिर दिल्ली पुलिस का ग्रुप डी जो स्टाफ है, माउंटेड कॉन्स्टेबल हैं, डिस्पैच राइडर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, उनके अगर डिपार्टमेंटली कैंडिडेट हैं तो उनको 11वीं पास यहाँ पर इसमें फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, ठीक है। असेंशियल यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लाइसेंस के बारे में दिल्ली पुलिस ने कहा है PMMT, ठीक है, इससे पहले की डेट का आपके पास होना चाहिए। LMV आपके पास लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए, जो लाइसेंस है वो होना चाहिए, ठीक है, रिक्रूटमेंट से पहले का। लर्नर लाइसेंस इज नॉट एप्लीकेबल, तो लर्नर लाइसेंस है वो आपका यहाँ पर माने नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों जो एज में छूट दी गई है वो है आपकी 18 से लेके 25 वर्ष, ये सबसे बड़ा मेजर यहाँ पर बदलाव है, बड़ा बदलाव है। 18 से लेके 25 वर्ष की आयु यहाँ पर की गई है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 5% की छूट SC ST को दिया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 3% की छूट यहाँ पर OBC कैंडिडेट्स को दी जा रही है, ठीक है। OBC के लिए 28 वर्ष, SC ST के लिए 30 वर्ष और जनरल के लिए 18 से 25 वर्ष यहाँ पर एज की गई है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी यहाँ पर जो अन्य कैटेगरियाँ हैं जैसे स्पोर्ट्स पर्सन हो, दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हों उनके बच्चे हों या दिल्ली पुलिस से रिलेटेड हों उनके लिए भी एज में छूट दी जा रही है। अब अगला प्रोसेस दोस्तों यहाँ पर क्या रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया गया है, एक्स सर्विसमैन किस तरीके से होने चाहिए, किस तरीके का उनका सर्विस पीरियड होना चाहिए, ठीक है। अगला यहाँ पर जो स्टेप है स्टैंड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट, दोस्तों यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट हैं पुरुष उम्मीदवार उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर की जो छूट मिलेगी गढ़वाली कुमायूं जिनको मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा 5 सेंटीमीटर की छूट यहाँ पर ST कैंडिडेट को मिलने वाली है और 5 सेंटीमीटर की छूट ही दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड या DDG कर्मचारी हों, मल्टीटास्किंग स्टाफ को दिल्ली पुलिस को देने वाली है। चेस्ट यहाँ पर 81 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए और 4 सेमी का फुलाव यहाँ पर होना चाहिए। अगली यहाँ पर जो दी गई है चेस्ट के बारे में, 5 सेमी का जो यहाँ पर कंसेशन है छूट है वो
जो पहाड़ी एरिया के अभ्यर्थी हैं उनको दिया गया है 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर कंसेशन, एसटी कैंडिडेट्स को मिलेगा 5 सेंटीमीटर का कंसेशन। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनके बच्चे हैं या मल्टीटास्किंग स्टाफ दिल्ली पुलिस को उनको दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट के बारे में दिया गया है। ठीक है, एज वाइज दिया गया है अप टू 30 ईयर्स, अगर आपकी एज 30 ईयर्स तक है जो छूट के बाद आती है, तो 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में, लॉन्ग जंप आप करेगा 14 फीट, हाई जंप 3.9 यानी 4.25 फीट, अब वो 30 से 40 जिसमें आपके एक्सरसाइजमैन ये वगैरह आते हैं। ठीक है, उसका 7 मिनट में आपको पूरी करनी है, 1600 मीटर, 13 फीट का लॉन्ग जंप और 3.6 फीट का यहाँ पर हाई जंप। अब वो 40 ईयर्स, तो 8 मिनट में आपको 1600 मीटर की रेस यहाँ पर कंप्लीट करनी है, 12 फीट यहाँ पर लॉन्ग जंप रहेगा और हाई जंप यहाँ पर रहेगा 3.3 फीट। ठीक है, अब दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट की हम बात कर लेते हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए सेम एप्लीकेशन है यहाँ पर, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 10+2 पास यानी 12वीं पास महिला अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकती हैं, और अगर दिल्ली पुलिस के संबंधित अगर आप हैं महिला अभ्यर्थी तो यहाँ पर 11वीं पास चलेगा। एज यहाँ पर दोस्तों सेम रहने वाली है 18 से लेकर 25 वर्ष। ओबीसी, यहाँ पर ओबीसी को 3 साल का छूट दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एससी एसटी के लिए 30 वर्ष यहाँ पर दिया जाएगा यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों को एज में। इसके अलावा अलावा दोस्तों यहाँ पर हाइट के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो हाइट यहाँ पर महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर 2 सेमी की छूट दी जाएगी, जो पहाड़ी, कुमायूं, गढ़वाली, डोंगरा है इनके लिए। ठीक है, इसके अलावा 2 सेंटीमीटर की जो छूट है महिला अभ्यर्थी उनको एससी एसटी में भी मिलने वाली है। ठीक है, अब दोस्तों एक और चीज मैं बता दूं, जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए लाइसेंस यहां पर नहीं चाहिए। सबसे बड़ा अपडेट, महिला अभ्यर्थियों के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब यहां पर जो फिजिकल मेजरमेंट है 30 ईयर्स से वर्ष तक की जो महिला अभ्यर्थी उनको 1600 मीटर की रेस पूरी करनी है 8 मिनट में, 10 फीट का लॉन्ग जंप, हाई जंप 3 फीट का। 30 से 40 वर्ष की है तो 9 मिनट में आपको 1600 मीटर करना है लॉन्ग जंप 9 फीट और यहाँ पर हाई जंप 2.9 फीट यहाँ पर। ठीक है, 40 वर्ष तक के यहाँ पर 10 मिनट में 1600 मीटर 8 फीट और 2.6 फीट का हाई जंप होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर हाई जंप और लॉन्ग जंप के 3 चांस दिए जाएंगे, उसमें से एक चांस में आपको इसको पास करना है, 3 चांस यहाँ पर लॉन्ग और हाई जंप के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, फिजिकल मेजरमेंट के बारे में बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड मेल और फीमेल, तो यहाँ पर टैटूज आपकी बॉडीज पे नहीं होने चाहिए। ठीक है, आप कॉन्टेजियस बीमारी से ग्रसित नहीं होने चाहिए। ठीक है, लोकेशन दी गई है टैटूज की। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिया गया है। क्रूशियल डेट फॉर डिटरमिनिंग एज लिमिट, एज लिमिट के बारे में कहा गया है कि जो रिक्रूटमेंट है 1 जनवरी ऑफ द ईयर ऑफ रिक्रूटमेंट केस रिक्रूटमेंट, यानी 1 30 जून से पहले अगर कोई भर्ती आती है तो उसके लिए 1 जून लास्ट और जो आपकी एज है वो काउंट की जाएगी। अगर 30 जून के बाद आती है तो ये यहाँ पर 1 जुलाई के आपकी यहाँ पर एज को वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, रिलैक्सेशन फॉर वार्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनल एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो दिल्ली पुलिस के मल्टीटास्किंग स्टाफ हैं उनके बारे में ये दिया गया है छूट के बारे में। आप देख सकते हैं मेल फीमेल के बारे में, हाइट, एज में सब कुछ में छूट में दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर मोड ऑफ फिलिंग एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर आपको भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 100 रुपये रहने वाली है। ठीक है, और ये एप्लीकेशन फीस है जो एस सी एस टी जो एक्स सर्विस मैन है वुमेन कैंडिडेट उनको फ्री है। ठीक है, ओबीसी जनरल को सिर्फ 100 रुपये का पेमेंट यहाँ पर करना है। एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया है, एडमिट कार्ड के बारे में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जी हाँ दोस्तों आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 1.5 घंटे का होगा, यानी कि 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का होगा। अब दोस्तों इसमें आपके 4 पार्ट होंगे जो पेपर होगा उसमें, तो 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 25 का होगा, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स 50 नंबर के 50 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स आपकी 15 अंक की आएगी, 15 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और नया पोर्शन यहाँ पे दिया गया है कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपका 10 नंबर का आएगा, 10 मार्क्स। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दिया गया पेपर का जो लेवल है, तो पेपर का लेवल हम आपको बता दें, पेपर का लेवल 10वीं के लेवल का होगा, जिसमें इजी क्वेश्चन होंगे 30, मीडियम लेवल 50 और डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे आपके 20। ठीक है, ये दिया गया है। सिलेबस दिया गया है रीजनिंग, ठीक है, जनरल नॉलेज के बारे में बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स के बारे में, कंप्यूटर का जो है पोर्शन उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकल चुका है दोस्तों, और संभवतः 2 से 4 दिन के अंदर ये ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर शुरू होने वाले हैं। सबसे बड़ा यहाँ पर अपडेट दिल्ली पुलिस की वैकेंसी का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए। दोस्तों संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दे चुका हूँ,
और भी कोई आपका सवाल हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पूरा का पूरा यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है जारी कर दिया है। और दोस्तों सबसे बड़ा अपडेट, 10,000 के तकरीबन यहाँ पर वैकेंसियाँ आने वाली हैं, तो इंतजार खत्म। और आप दोस्तों फॉर्म भरने की डेट 1 से 2 दिन के अंदर आने वाली है। यहाँ पर पूरा का पूरा दिल्ली पुलिस ने जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर दे दिया है, इस तरीके से आप लोगों को फॉर्म भरना है, किस तरीके से एज आपकी, चेस्ट हाइट और फिजिकल के बारे में दिया गया है संपूर्ण जानकारी। और दोस्तों एक और चीज़ हम आपको बता दें, इस वीडियो के अंतर्गत जो ये रिक्रूटमेंट रूल्स हैं इनको यहाँ पर दी गई है और ये कॉपी फॉरवर्ड की गई है। देखिए यहाँ पर किस किन को कॉपी फॉरवर्ड की गई है, जितने भी दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर्स हैं, जितनी दिल्ली पुलिस के स्टेशन हैं उनको ये चीज़ भेजी गई है, ठीक है। और ये रिक्रूटमेंट आपके सामने आने वाला है दोस्तों, इंतजार खत्म। वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि दिल्ली पुलिस से रिलेटेड कोई भी सवाल आप देखने से चूके नहीं। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दिल्ली पुलिस की दी गई है। और दोस्तों अब महिला और पुरुष दोनों के लिए बड़ा मौका, एक बार फिर से बता दें, 12वीं पास की ये वैकेंसी होगी। महिलाओं के लिए लाइसेंस जरूरी नहीं है, पुरुषों के लिए लाइसेंस जरूरी है, ठीक है। एज यहाँ पर 18 से 25 वर्ष की गई है, 5 साल का छूट SC ST को दिया गया है, 3 साल का छूट OBC को दिया गया है, 28 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। सबसे बड़ा अपडेट, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर ले लाखों अभ्यर्थियों के लिए। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास जंप करें, इसे व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप में सेंड करिए ताकि उनको भी पता लगे कि दिल्ली पुलिस का नया रिक्रूटमेंट आ चुका है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको अच्छी लगे, वीडियो आपको पसंद आए तो हमें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ये चीज़ भी मिल जाएगी, जिस PDF फाइल को देख करके मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, इस तरीके से इसमें ये वैकेंसी आ चुकी है और फॉर्म भरने की डेट 1 से 2 दिन के अंदर प्रोवाइड करा दी जाएगी आप लोगों को। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे चैनल के साथ लेटेस्ट भर्ती अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।